कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो फिर निर्णय लो। आवाज़ से आवाज़ नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख आपको ही मिलेगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। असली बड़ा आदमी वो होता है जिससे मिलने के बाद कोई खुद को छोटा ना महसूस करे। इंसान की पहचान करनी हो तो सूरत से नहीं, चरित्र से करिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। केवल उस इंसान को आपकी आलोचना करने का अधिकार है जो आलोचना करने के साथ सहायता करने की भी भावना रखता है। वक्त बड़ा अजीब होता है, इसके साथ चलो तो किस्मत बदल देता है और साथ ना चलो तो किस्मत ही बदल देता है। रोने से इंसान कमज़ोर बनता है, ये गलत है, बल्कि रो रो कर टूटा हुआ इंसान ही सबसे मजबूत बनता है। बहुत महंगी पड़ती है वो मोहब्बत जिसमें खुद को सस्ता कर दिया जाए। जो हमारे पास है उसी में खुश रहना चाहिए। हमारी जैसी ज़िंदगी जीना भी बहुत लोगों का सपना है। पत्थर भले ही आखिरी चोट से टूटता है, परंतु पहली चोट कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। उनके व्यवहार पर भरोसा मत करो जिनकी फितरत में दुख पहुंचाना या धोखा देना हो, क्योंकि पानी को आग से कितना भी गर्म किया जाए उसको बुझाने के लिए काफ़ी है। यदि आप चाहते हैं सभी आपसे प्रेम करें, तो प्रेम की शुरुआत पहले आपको करनी होगी, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जो बोया है वही निकलेगा। कई बार चीज़ों को रोके रखना आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए जाने दो। आंसू का कोई वजन नहीं होता, लेकिन निकल जाने पर मन हल्का हो जाता है। इंसान कुछ गलत करके सबकी नज़रों में धूल झोंक सकता है, लेकिन भगवान सबका हिसाब रखता है। अपनी ईमानदारी और सामने वाले की गलतियों को कभी ना समझाएं। एक दिन सच्चाई समय के साथ अपने आप समझा देगी। ईश्वर का बनाया हुआ एक पेड़ जिसके नीचे एक अमीर व्यक्ति भी बैठ सकता है और एक गरीब व्यक्ति भी बैठ सकता है, दोनों को एक जैसी हवा और एक जैसी छांव मिलती है, कोई अंतर नहीं होता। इसका मतलब ईश्वर इस दुनिया के सभी मनुष्यों को एक जैसा देखते हैं, सभी के पास एक जैसी शक्तियां हैं। और अगर ऐसा है तो आप वास्तव में भाग्यवान हैं। दोस्तों, ईश्वर की बनाई इस सृष्टि में सब कुछ एक ही भाव से बनाया गया है, वो है सिर्फ देना। याद रखना, उस इंसान को कभी नज़रअंदाज ना करना जो आपसे प्यार करता है, आपकी देखभाल करता है, आपको याद करता है, क्योंकि एक दिन जब आपकी आंखें खुलेगी तो आपको ये एहसास होगा कि आपने तारे गिनते गिनते आपने चांद को खो दिया। धैर्य रखें, सही समय आने पर आपके पास वे सब कुछ आएगा जिसके लिए आपने मेहनत की है। कई बार ईश्वर आपको केवल इसलिए संसाधन संपन्न बनाता है क्योंकि वह स्वयं घर घर जाकर आपके आसपास के सभी ज़रूरतमंदों की मदद नहीं कर सकता। बहानों से आज आसान बनेगा और कल कठिन, और अनुशासन से आज मुश्किल बनेगा और कल आसान। आप जितने सच्चे रहोगे उतने ही अकेले रहोगे। जब कल का दिन देखा ही नहीं तो आज का दिन क्यों खोए? ये जिस घड़ी में हंस सकते हैं उस घड़ी में कल के लिए रोए क्यों? भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें कुछ मिलता है, भाग्यशाली तो वो होते हैं जिन्हें जो मिलता है वो उसे अच्छा बना लेते हैं। संसार में हर इंसान का परिवर्तन निश्चित है, किसी का हृदय परिवर्तित होगा और किसी का समय। शब्द चाहे जैसे भी हो, मन कुछ करे तो अर्थ, वरना सब व्यर्थ। शांति चाहते हैं तो दूसरों के काम पर और दूसरों की कमियों पर ध्यान देना बंद कर दें। सिर्फ अपने जीवन पर और अच्छी बातों पर ध्यान दें। तुम पानी जैसे बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है, पत्थर जैसे ना बनो जो दूसरों का रास्ता भी रोक लेता है। ध्यान का अर्थ है भीतर से मुस्कुराना, और सेवा का अर्थ है इस मुस्कुराहट को औरों तक पहुँचाना। अपना वो है जो किसी के लिए तुम्हें नज़रअंदाज ना करे। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को शांत कर देती है, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी याद बहुत से कष्ट
और दुखों का नाश कर देती है। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग तुम्हें वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां तुम्हारा अधिकार है। वक्त जैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा, बदलता जरूर है। अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत ना करो कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दें। थोड़ी बहुत कमियां भी ज़रूरी हैं, इंसान हो तो इंसान लगना भी ज़रूरी है। आप खुश हो, अच्छी बात है। आपकी वजह से कोई खुश है, ये सबसे अच्छी बात है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। जब इंसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनाता तो वह तो फिर भी भगवान है। वो ऐसी समस्या का निर्माण क्यों करेंगे जिसका कोई हल ही ना हो। ये सुंदर रूप, धन, जवानी, लालच, बेईमानी, छल और चिंता सब यहीं पड़ा रह जाएगा। व्यर्थ की चिंता किसी काम की नहीं। आज खुशी से जियो, क्योंकि अगले एक घंटे के बाद क्या होगा वो भी नहीं पता। समय पर समय देने वाला व्यक्ति समय पर मिल जाए तो समय को अच्छा होने में समय नहीं लगता। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमज़ोर समझने की भूल कभी मत करना। सरलता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। वक्त से भी ज़्यादा भावनाएं महंगी होती हैं, इसलिए जो उसे समझ सके उसी पर उसे खर्च करना। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है। हर जिद हमें खुशी नहीं देती। मन बड़ा तो सुख पड़ा। निर्भर मत बनाइए कि अगर वह चले जाए तो आप बुरी तरह से टूट जाएं। हर कोशिश कामयाबी हो जरूरी नहीं, पर हर कामयाबी के पीछे कोशिश ज़रूर है। अगर किसी को आप अच्छे नहीं लगते तो उसके सामने अच्छे बनो भी मत, क्योंकि उससे ज़्यादा आपको पता है कि आप कितने सही हो। इंसान को इंसान धोखा नहीं देता, इंसान को इंसान की लगाई हुई उम्मीद धोखा देती है। हर जगह मुंह मारने की आदत एक दिन इंसान का सब कुछ बर्बाद कर देती है। यहाँ रुलाता तो हर कोई है, लेकिन जो आपके लिए रो पड़े उसे अपनी ज़िंदगी से कभी भी अलग मत करना। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, पर समय का सही इस्तेमाल इंसान को ज़रूर सफल बनाता है। लोग आपकी तारीफ करते हैं तो यह आपकी योग्यता है, और आपसे जलते हैं तो यह आपका हुनर है। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो, कि वह कभी भी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। वक्त बदलते देर नहीं लगती, और कुदरत अपना हिसाब करती है। ना ही किसी चीज़ का गुरूर करो। हर किसी के साथ मिलकर रहो, चाहे वे आपके परिवार वाले हों, चाहे आपके मित्र। चोट का असर लगने में नहीं, अनुभव करने में होता है। आत्मा पर एक लगी चोट शरीर की चोट से कई ज़्यादा गहरी होती है और पीड़ादायक भी होती है। सेवा सबकी करो, मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य केवल ईश्वर ही दे सकता है, इंसान नहीं। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शक के किसी ज़रूरतमंद को दिया जाए, वही सच्चा दान है। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं तो गलतियाँ सीढ़ियाँ बनती हैं, और अगर नहीं सीखते तो गलतियाँ सागर हैं। फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना है। जो जितना शांत होता है वह उतना ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें महत्व देते हैं या फिर सकारात्मक विचार पर ही ध्यान लगाए रहते हैं। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। वक्त से पहले मिली चीज़ें अपना मूल्य खो देती हैं, और वक्त के बाद मिली चीज़ें अपना महत्व। इसलिए समय की कद्र करें। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते को खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कद्र खो देते हैं। जब तक तुम डरते रहोगे, तुम्हारी ये ज़िंदगी के फैसले लोग ही लेते रहेंगे। उनके वफादार और कर्ज़दार रहिए जो आपके लिए अपना वक्त देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने जीवन को सरलता से जी सकता है, पर फिर भी
वह सभी सरल जीवन जी नहीं सकता, पर फिर भी वह कभी सरल जीवन जी ही नहीं सकता। वह हमेशा चिंताओं में पड़ता है। चिंता से बाहर निकलने के लिए वह चिंता करता है। उसकी सबसे बड़ी चिंता उसका जीवन नहीं है, ये जीवन को बचा लेना चाहता है। आने वाले समय से भयभीत रहता है और गुजरे हुए समय में खोया रहता है। वह हमेशा स्वर्ग की तैयारी करता रहता है। उसे नर्क से डर लगता है। वह जीवन को जानना नहीं चाहता, जीवन को पहचानना ही नहीं चाहता। वो हमेशा मृत्यु को जानना चाहता है। उसने ही जीवन को जाना नहीं और मृत्यु को जानने की कोशिश करता रहता है। इसलिए वह खुद से कुछ करना नहीं चाहता, केवल सुनी सुनाई बात पर विश्वास करता चला जाता है। इसी कारण से ना तो वह अनमोल जीवन को सही तरीके से जी पाता है और ना ही मृत्यु को गले लगा पाता है। एक बार एक बेटे ने अपने पिता से पूछा कि पिताजी, ये सफल जीवन क्या होता है, कैसा होता है, इसका मतलब आप हमें समझाइए। तो पिता ने सोचा कैसे इसको समझाया जाए कि एक सफल जीवन का असली मतलब क्या होता है। पिता ने दिमाग लगाया और बेटे से कहा कि चलो आज हम पतंग उड़ाते हैं। और बाप बेटा पतंग उड़ाने के लिए चले गए। बेटा पिता को ध्यान से पतंग उड़ाते हुए देख रहा था। थोड़ी देर बाद बेटा बोला, पिताजी धागे की वजह से पतंग ऊपर नहीं जा पा रही है। इस धागे की वजह से ये पतंग आज़ाद नहीं है। क्या हम इसे तोड़ दें, ये ऊपर चली जाएगी। अगर हम तोड़ देंगे तो पिता ने धागा तोड़ दिया। पतंग थोड़ा सा ऊपर गई और उसके बाद लहरा कर नीचे आई और दूसरी अनजान जगह पर गिर गई। तब पिता ने बेटे को जीवन का दर्शन समझाया कि बेटा, जिंदगी में हम जिस ऊंचाई पर हैं, हमें अक्सर लगता है कि कुछ चीज़ें जिनसे हम बंधे हैं, जो हमें ऊपर जाने से रोक रही है। जैसा आपने अभी कहा कि धागा इसको रोक रहा है, अगर हम तोड़ देंगे तो ये ऊपर चली जाएगी। इसी तरीके से घर, परिवार, अनुशासन, माता पिता, गुरु और समाज है, ये भी हमारे जीवन में एक धागे का काम करते हैं और हम इनसे आज़ाद होना चाहते हैं। घर से आज़ाद होना चाहते हैं, परिवार से आज़ाद होना चाहते हैं, अनुशासन में नहीं रहना चाहते, गुरु और समाज से आज़ाद होना चाहते हैं। और आजकल देखा जा रहा है अक्सर बच्चे आज़ादी की चाह में घर परिवार को छोड़ रहे हैं, समाज की परवाह नहीं कर रहे हैं। कोई अनुशासन नहीं, उनके जीवन और उनके गुरु और उनके माता पिता को छोड़कर चले जाते हैं। तो वास्तव में दोस्तों, यही वो धागे होते हैं जो हमें उस ऊंचाई पर पकड़े रखते हैं। इन्हीं की वजह से हम ऊंचाई पर हैं। इन धागों के बिना हम उड़ तो सकते हैं, लेकिन बाद में हमारा वही हशर होगा जो बिना धागे की पतंग का हुआ। जब तक जीवन में तुम ऊंचाइयों पर बने रहना चाहते हो तो कभी भी इन धागों के रिश्तों को मत तोड़ना। धागे और पतंग जैसे जुड़ाव हैं, ये सफल संतुलन से मिली ऊंचाई को ही हम सफल जीवन कहते हैं। जब तक धागा पतंग से जुड़ा है तब तक पतंग उड़ रही है। धागा टूटते ही पतंग नीचे आ जाती है और किसी अनजान जगह पर खो जाती है। इसी तरीके से हमारा जीवन घर से, परिवार से बंधा हुआ है। जीवन में अनुशासन से बना हुआ एक धागा है, माता पिता से बंधा हुआ एक धागा है, गुरु और समाज से बंधा हुआ एक धागा है। अगर हम इस धागे को तोड़ देते हैं तो हमारा जीवन कभी भी सफल नहीं हो सकता। हो सकता है कि थोड़ी बहुत और ऊंचाई हम प्राप्त कर ले, लेकिन उसका कोई सार्थक उपयोग नहीं कर सकते। और हम इतने नीचे गिराते हैं बिना इन चीज़ों के, हमें कोई संभालने वाला पैदा नहीं होता और अकेलेपन में हम कुड़कुड़ के मर जाते हैं। एक बार एक भोला भाला लड़का अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान था, क्योंकि हर कोई उसे धोखा देकर चला जाता था, उसका फ़ायदा उठाता था, उसके साथ कोई भी विश्वासघात करता था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्यों मुझे हर कोई धोखा देकर चला जाता है। इस समस्या का कारण पूछने के लिए वो लड़का एक महात्मा के पास जाता है। उनको बताता है कि हे गुरुदेव, मेरे जीवन में हर कोई मुझे धोखा देकर चला जाता है। मैं तो सबके साथ अच्छे से पेश आता हूँ, सबकी मदद करता हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं हर कोई मुझे धोखा देकर चला जाता है। ये सब सुनकर वो महात्मा थोड़े हंसते हैं और कहते हैं, बेटा इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये दुनिया ऐसी ही है, यहाँ पर हर कोई आकर तुम्हारा फ़ायदा उठाकर चला जाता है। अगर तुम एक चालाक इंसान नहीं हो,
अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें कोई धोखा ना दे तो तुम्हें चालाक बनकर ही रहना होगा। ये बात सुनकर वो लड़का उस महात्मा से पूछता है कि गुरुदेव, मैं चालाक कैसे बनूं? मुझे तो दूसरों के साथ बुरा करना नहीं आता। वह महात्मा थोड़े से हंसते हैं और कहते हैं, बेटा, चालाकी का मतलब ये नहीं कि तू दूसरों के साथ गलत करना सीख। चालाकी का मतलब यह है कि अपने साथ गलत मत होने दे। वह लड़का आगे महात्मा से पूछता है, गुरुजी, क्या आप मुझे सलाह देंगे जिससे मैं चालाक बन सकता हूँ और कोई मेरा फायदा ना उठा पाए? आगे वह गुरुजी बताते हैं, आज मैं तुम्हें 8 ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा, यदि तुम इसे ध्यान से सुन लोगे और अपनी ज़िंदगी में अपनाओगे तो तुम्हें ज़िंदगी में कोई भी धोखा नहीं दे पाएगा और कोई भी तुम्हारे साथ बुरा नहीं करेगा। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण सलाह ये है कि अच्छे मत बनो, क्योंकि जो इंसान ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा बनता है वह बाद में ज़रूर पछताता है। ज़्यादा अच्छा बनने से हमारा ही नुकसान होता है। आपको सारे समझौते करने पड़ते हैं क्योंकि आप अच्छे हैं और कई बार लोग आपको भूल से जाते हैं, लेकिन जब उनका काम पड़ता है तो आप ही सबसे पहले उनको याद आते हैं। जो लोग भोले भाले होते हैं और जिनका दिल साफ होता है, ऐसे लोगों का दुनिया में बहुत फ़ायदा उठाया जाता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा फ़ायदा कोई ना उठाए और एक जीवन में नियम बनाओ, जो जैसा है उसके साथ वैसा ही बर्ताव करो, क्योंकि लोग आपकी अच्छाई और आपकी मासूमियत को कमज़ोरी समझने लगते हैं और इससे सिर्फ आपको ही परेशानी होगी, क्योंकि अच्छे लोग हमेशा दूसरों को तकलीफ़ नहीं दे पाते, इसका बहुत ध्यान रखते हैं। लेकिन संसार ऐसा नहीं सोचता, वो केवल अपना स्वार्थ देखता है। इसलिए अच्छे बनिए, लेकिन किसी पे आँख बंद करके भरोसा मत कीजिए। कौन आपके साथ वाकई में अच्छा बन रहा है और कौन आपके साथ अच्छा बनने का नाटक कर रहा है, इस पर बारीकी से ध्यान रखें। दूसरी सलाह, लोगों को ना कहना सीखो। कई बार कुछ क्षण अपना सारा काम छोड़कर दूसरों की मदद करने में लग जाते हैं। हम उनको ना तो बोलना चाहते हैं लेकिन डरते हैं कहीं सामने वाला हमसे नाराज ना हो जाए, या फिर ये सोचते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा अगर हम उसको मना कर दें, कहीं उसको बुरा तो नहीं लगेगा। ऐसा सोचकर हम हाँ कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। अगर तुम्हें जीवन में खुश रहना है तो लोगों को ना बोलना सीखना होगा। अगर कोई आपसे कुछ मांगने आए या फिर कोई आपसे मदद लेने आए और अगर आप वो नहीं करना चाहते तो उसे अच्छे से साफ मना कर दीजिए। अगर वो आपका सच्चा दोस्त होगा तो वो आपके ना कहने से बुरा नहीं मानेगा और वो समझ जाएगा कि इसे दूसरे काम है, इसलिए वो मेरी मदद नहीं करना चाहता। तीसरी सलाह, लोगों को खुश करना छोड़ दो। अब तुम सोच रहे होंगे कि दूसरों को खुशी देना तो अच्छी बात है, परंतु कई सारे लोग अपनी खुशियों को मारकर दूसरों को खुशियाँ देने की कोशिश करते हैं। एक बात अच्छे से समझ लो, क्या आप कभी भी अपनी खुशियों को नज़रअंदाज करके दूसरों को खुशियाँ नहीं दे सकते? तुम कितना भी दूसरों को खुशियाँ देने की कोशिश करो, दूसरों का अच्छा करने की कोशिश करो, लेकिन लोग फिर भी आपका बुरा नहीं करेंगे। सिर्फ अच्छे ही लोग ऐसा होंगे जो आपका साथ देंगे। इसलिए ये बात हमेशा याद रखो कि दूसरों को खुशियाँ दो पर अपनी खुशियों को मार कर नहीं। अगर खुशियाँ देनी है तो अपने आप को दो, इससे तुम सबको अपने आप को खुशियाँ दे पाओगे। चौथी सलाह, अपनी भावनाओं को काबू में रखो। जो लोग अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रखते, ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान होता है। कई बार लोग आपके भावनाओं के साथ खेल कर आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, जैसे कई बार लोग आपके सामने दुखी होने का नाटक करते हैं और आप बिना सच्चाई जाने उन पर भरोसा करके उनकी मदद करते हैं। अक्सर भावनाओं में आकर इंसान गलत निर्णय लेता है, क्योंकि उस समय आदमी दिमाग से नहीं बल्कि दिल से सोचता है, और जो लोग मासूम होते हैं उनका दिल वैसे भी बहुत नेक होता है और कई बार इसका नतीजा बहुत बुरा होता है, जिससे हमें आगे चलकर नुकसान भी हो सकता है। इसलिए अपनी भावनाओं को काबू में रखें और किसी की मदद करने से पहले 10 बार उस इंसान के बारे में जान लें। पाँचवीं और सबसे महत्वपूर्ण सलाह, खुद को कभी कम ना आंके। भोले भाले लोग कभी कभी खुद को कम आंकते हैं, इसी वजह से उनका आत्मविश्वास कम हो जाता है, और अगर आपका आत्मविश्वास कम होगा तो दूसरे लोग भी आपको कम समझेंगे। इसलिए तुमको अगर खुद को कम करने की आदत है तो ये तुरंत छोड़ दीजिए। और एक बात हमेशा याद रखिए कि आपके अंदर कितनी ताकत है, कितनी क्षमता है, कितनी काबिलियत है, ये आप
तभी जान पाएंगे जब आप खुद को अच्छे से समझेंगे और खुद को कभी किसी से कम नहीं समझेंगे। दुनिया में ऐसा कोई सा काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते, बस आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए। कभी किसी को मौका मत दीजिए वह आपकी कमियों के बारे में जाने और बाद में आपका फ़ायदा उठाए। इसलिए आप अपने अंदर की ताकत को पहचानिए और आप क्या क्या कर सकते हैं ये दुनिया को दिखा दीजिए। छठी सलाह, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत लो। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन के निर्णय कभी भी हड़बड़ी में नहीं लेता, वह 10 बार सोचकर ही अपने जीवन के निर्णय लेता है। क्योंकि ऐसा कई बार होता है जो चीज़ हम जल्दबाजी में करते हैं उसका परिणाम कई बार अच्छा नहीं होता और फिर बाद में हमें पछतावा करना पड़ता है कि काश उस समय मैंने सोच समझ कर फैसला किया होता। जल्दबाजी में निर्णय लेने में गलती हो सकती है, पर जब आपका मन शांत हो तभी निर्णय लेने की कोशिश करें, क्योंकि जब आपका मन शांत होता है तो आप कभी गलत नहीं होते और शांत दिमाग से लिए गए निर्णय आपको आगे चलकर फायदा ही पहुंचाएंगे। 7वीं सलाह, हमेशा दूसरों की गलतियों से सीखें। आपने ये कहावत तो ज़रूर सुनी होगी कि इंसान को दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी इतनी भी बड़ी नहीं है कि हम खुद गलतियां करके उससे कुछ सीख लें। जब आप दूसरों की गलतियों से सीख सकते हैं तो खुद गलती करके क्यों नुकसान करें। हमेशा अपनी आँखें और दिमाग खुला रखिए और अपनी सोच को थोड़ा तेज़ कीजिए। ये बात बहुत लोगों को समय चले जाने के बाद समझ आती है, लेकिन तभी जानकारी लेकर वह क्या करे, जबकि आपको बहुत जल्दी समझ लेना चाहिए कि हमें दूसरों की गलतियों से भी सीख लेनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके किसी दोस्त ने बिना विश्वास किए किसी को उधार पैसे दे दिए, लेकिन जब आपके दोस्त को पैसे की ज़रूरत पड़ी तो उस इंसान ने समय पर पैसा देने से मना कर दिया, जिससे आपके दोस्त का नुकसान हो गया क्योंकि उसने बिना आगे का सोचे किसी को पैसा उधार दिए। अब इसे आपको सीख लेनी चाहिए कि किसी को पैसा देने से पहले आगे का ज़रूर सोचना चाहिए। 7वीं सलाह, खुद को कभी कमज़ोर मत समझो। अपने आप को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। ये बात 100% सही है कि हमारे विचार ही हमारी सफलता या असफलता के लिए जिम्मेदार होते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप खुद को कमज़ोर समझेंगे तो आपके आसपास के लोग आपको और ज़्यादा कमज़ोर समझेंगे। भले ही आप अंदर से कमज़ोर हो, लेकिन बाहर उसको मत दिखने दो, क्योंकि सफलता पर ताली बजाने वाले कम और कमज़ोरियों पर कमियां निकालने वाले ज़्यादा लोग मिलेंगे। 8वीं और सबसे महत्वपूर्ण सलाह, किसी दूसरे की राय लेकर अपने निर्णय को मत बदलो। मान लीजिए कि तुम किसी काम को कर रहे हो और उस काम में आप बिल्कुल नए हो, तो बहुत स्वाभाविक सी बात है क्या आप उस क्षेत्र में काम कर रहे लोगों से राय ज़रूर लेंगे, लेकिन दुनिया में बहुत ही कम लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको आगे बढ़ता देखकर खुश होंगे, और जो आपको आगे बढ़ता देखकर खुश नहीं होता वो आपको सही राय कैसे दे सकता है। आपको जीवन में आगे बढ़ने की यही सलाह है कि दूसरों की राय लिए बिना अपने काम को पूरी लगन के साथ करें और आगे बढ़ें। दुनिया क्या सोचेगी इस पर बिना कोई विचार किए आगे बढ़ें। दुनिया आपको चाहे जितना डराकर पीछे करना चाहे, लेकिन इस डर को नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़े। जब आप कोई अच्छा काम करने के लिए कोई प्लान बनाएं और कोई आकर आपको ये बताए कि ये काम बहुत कठिन है, तो उनको गलत साबित करने के लिए आगे बढ़े। 9वीं और आखिरी सलाह, हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहें। आपने एक कहावत तो ज़रूर सुनी होगी कि एक बार अगर आप किसी शराब की दुकान पर बैठकर दूध भी पियोगे तो लोग आपको शराबी ही कहेंगे, अगर आप किसी मंदिर में बैठकर पानी भी पियोगे तो आपको संत का दर्जा दिया जाएगा। इसलिए हमारे जीवन में अच्छे लोगों की संगति बहुत ज़रूरी होती है। आप किसके साथ उठते बैठते हैं, किसके साथ रहते हैं, उससे ही आपका व्यक्तित्व बनता है। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही रहना चाहिए। अच्छे लोगों के साथ रहने पर तुम आगे बढ़ सकते हो, और तुम जिन व्यक्तियों के साथ रहते हो उन लोगों के जैसा ही तुम्हारा भविष्य होगा। इसलिए अपने जीवन में संगति सोच समझकर ही बनाओ। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी भावनाओं को तुम्हारे शब्दों से नहीं समझ सकता, उस समय भी तुम्हें चुप रहना चाहिए। अक्सर हम लोगों को अपने दुख, अपनी परेशानियां बताना शुरू कर देते, जबकि हमारे आसपास रहने वाले ज़्यादातर लोगों को इससे कोई मतलब नहीं कि हमारे जीवन में क्या गुजर रहा है। हर इंसान को केवल खुद से मतलब होता है। वह केवल खुद के बारे में बात करना चाहता है, वो केवल खुद की तारीफ सुनना चाहता है। उन्हें हमारे जीवन की परेशानियों से कोई मतलब नहीं होता, और ना ही वह सुनना चाहते हैं। हो सकता है
एक या दो बार वह तुम्हारी दुख भरी बातें सुन ले, लेकिन उसके बाद में वो तुमसे दूर भागना शुरू कर देंगे, क्योंकि कोई भी दुखी और असहाय इंसान के साथ रहना पसंद नहीं करता। इसलिए कभी भी अपने कुछ करीबी मित्रों और परिवार वालों को छोड़कर किसी ऐसे इंसान को अपनी परेशानी ना बताए जो तुम्हारी बातों को समझने की बजाय उनका मजाक उड़ाए। दूसरी स्थिति, जब तुम्हें पता ना हो कि किसी विशेष मौके पर क्या बोलना है, या फिर तुम्हें किसी भी घटना के बारे में आधा अधूरा ही ज्ञान है, ऐसे मौके पर भी चुप ही रहना चाहिए। ऐसा इंसान जो आधा अधूरा ज्ञान होने के बाद भी उस विषय के बारे में बात करता है, वह अक्सर मजाक का पात्र बनता है, और कोई भी ऐसे इंसान को कभी गंभीरता से नहीं लेता। अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से वही इंसान रख सकता है जिसने उस घटना का विषय के बारे में गहराई से जानकारी है। इसलिए कभी भी आधी अधूरी जानकारी और इधर उधर से मिलने वाली जानकारी के आधार पर लोगों से अपनी बात मनवाने की कोशिश ना करें। तीसरी स्थिति, गुरु ने कहा, जब कोई इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा हो, तब ऐसी परिस्थिति में भी तुम्हें चुप रहना चाहिए। तुम्हें कभी भी ऐसी नकारात्मक बात का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज जो इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा है, वही कल किसी और के सामने तुम्हारी भी बुराई करेगा, और इस बात की ज़्यादा संभावना है कि आज तुमने उसकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए तीसरे इंसान की जो बुराई की है, कल रिश्ते ठीक होने पर दोस्ती में वो इंसान उससे कह देगा कि तुमने उसके बारे में क्या क्या कहा था। इसलिए जब भी कभी कोई किसी तीसरे इंसान की बुराई करे या उसे गलत समय का मजाक उड़ाए, तो तुम्हें ही बस उसकी बातें सुन लेनी होगी। अपनी कोई भी राय वहाँ नहीं देनी है। अगर तुम ऐसा करते हो तो भविष्य में तुम्हारे लिए समस्या खड़ी हो सकती है। गुरु ने कहा, चौथा, जब कोई तुम्हारे ऊपर गुस्से और घृणा से चिल्लाए, तुम्हारा अपमान करने की कोशिश करे, तब ऐसी परिस्थिति में तुम चुप रहकर सामने वाले के गुस्सा और घृणा को कम कर सकते हो, साथ ही तुम इस स्थिति को खराब होने से भी बचा सकते हो। जब तुम सामने वाले का जवाब क्रोध से ना देकर उस समय चुप रह जाते हो, अब ये बात उस क्रोध करने वाले इंसान के दिल में लगती है। गुस्सा कम होने पर उसे अपनी गलती पर पछतावा होता है, और ज़्यादा संभावना है कि वह अपनी गलती के लिए तुमसे क्षमा मांगे, और क्षमा नहीं भी मांगे तो वह अंदर ही अंदर खुद को दोषी समझने लगता है, और फिर वह अगली बार तुम पर गुस्सा करने और घृणा करने से पहले कई बार सोचेगा। लेकिन तुम्हें हर परिस्थिति में चुप भी नहीं रहना चाहिए। अगर कोई गलत कर रहा है तो तुम्हें उसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें हमारा चुप रहना हमारी कमजोरी का प्रतीत होता है। गुस्से के दौरान चुप रहने का ये तरीका केवल परिवार, सगे संबंधियों और कुछ निकटतम मित्रों के लिए ही सही है, ना कि हर इंसान के लिए। अगर तुम हर जगह चुप रहने लग गए तो इसका गलत फ़ायदा भी उठाया जा सकता है। पांचवा, जब कोई इंसान उसके जीवन की कोई भी दुख भरी घटना या अपने जीवन की परेशानी साझा कर रहा हो, ऐसी स्थिति में चुप रहकर सिर्फ उसकी बातों को सुनना। ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि किसी ने उनके सामने अपनी समस्या सुनाई नहीं कि उन्होंने समाधान देना शुरू कर दिया। जबकि जब कोई इंसान हमसे अपनी परेशानियाँ साझा कर रहा होता है, वो हमसे किसी सुझाव की उम्मीद नहीं करता, वो बस ये चाहता है कि हम उसकी पूरी बात ध्यान से सुने। क्योंकि जब हम किसी की परेशानी को ध्यान से पूरा सुन लेते हैं तो उस इंसान को एक आत्मिक शांति मिलती है। उसे ऐसा लगता है कि चलो, किसी ने तो मेरी बात को समझा। अधिकतर मौक़ों पर जब लोग हमसे अपनी परेशानी साझा करते हैं तो वो बस हमें अपनी बात बताना चाहते हैं। वे ये नहीं चाहते कि हम उन्हें सलाह देना शुरू कर दें, क्योंकि जो सलाह हम उन्हें देने वाले हैं वह सब उन्हें पहले से ही पता है। परेशानी के समय किसी इंसान को संतावना देने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम बस उस इंसान की पूरी बात को ध्यान से सुन ले। जब हम लोगों की बातों को बिना उन्हें बीच में रोके और बिना किसी सलाह दिए पूरे ध्यान से सुनते हैं, तो उनकी नज़रों में हमारे लिए सम्मान और स्नेह का भाव पैदा हो जाता है। हम ज़्यादा गंभीर, समझदार और शांत दिमाग वाले इंसान प्रतीत होते हैं। इसलिए जब भी अगली बार तुम्हें कोई अपनी परेशानी बताए, बस उसकी बातों को ध्यान से सुन लेना, और जब तक वह तुमसे ना मांगे तो उन्हें किसी भी प्रकार की सलाह मत देना। गुरु ने कहा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम कम बोलते हो तो लोग तुम्हारी
तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। तुम क्या हो और तुम क्या सोचते हो? शिष्य ने हाँ में सिर हिलाया और वह गुरुदेव की बातों को समझ चुका था। उसे किन किन परिस्थितियों में शांत रहना है उसने ये भी जान लिया कि कम बोलकर आप अपनी प्रतिष्ठा वापस पा सकते हैं। इसलिए दोस्तों, हमें अपने जीवन में कितना आवश्यक है उससे कम ही बोलना चाहिए। हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय श्री कृष्ण।